इसको बचाओ कोई। बस अब मैं अपनी दर्द भरी जिंदगी का बोझ और नहीं उठा सकती। ऐसा मत करो, अपनी जान बचाओ उसको। आज मुझे हर तकलीफ हर गम से आजादी मिल जाएगी। आज मैं आजाद हो जाऊंगी। नहीं नहीं ऐसा मत करो, सुनो भाग जाओ। मैं आ रही हूँ तेरे पास। नहीं ऐसा मत करो, खुद की जान मत दो, ये सबसे बड़ा पाप है। पाप और पुण्य कोई मायने नहीं रखते मेरे लिए। अब मैंने फैसला कर लिया है। अरे ऐसा भी क्या दुख है तुम्हें जो तुम अपनी जान देना चाहती हो? मेरे दुख की गहराई सिर्फ वही समझ सकता है जिसने कभी प्यार की गहराई ना पी हो। अरे नीचे आओ प्लीज। और उसी प्यार में धोखा खाया हो। मेरी मौत का जिम्मेदार सिर्फ वही है जिसने मेरा दिल तोड़ा, मुझे धोखा दिया। किसी और की बेवफाई की सजा खुद को क्यों दे रही हो? ताकि मेरे मरने के बाद उसकी जिंदगी सजा बन सके। अरे साहब, इस लड़की ने छत का दरवाजा भी अंदर से बंद करके रखा है और कोई तरीका भी नहीं है इसे रोकने का। अरे पर कोई तो रास्ता निकालना पड़ेगा ना। सीआईडी वाले आ गए, शायद ये कुछ करें। साहब साहब, मैंने ही आपको फोन किया था, वो रही लड़की। अभिजीत, से किसी भी हालत में बचाना होगा। आप लोग पीछे रहिए, पीछे रहिए, पीछे हटिए। सर जिंदा है, सर जिंदा है, जिंदा है। सर ये कुछ कहना चाहती है। देखो देखो, घबराओ मत, हम तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। हाँ एम्बुलेंस आती होगी, बताओ कुछ कहना चाहती हूँ। शापित ड्रेस। हाँ शापित ड्रेस। जूही, जूही को बचा लो। जूही? कौन कौन जूही? सुनो सुनो अभिजीत। सर एम्बुलेंस बस आ रही है। अब तो इस बेचारी की लाश ही जाएगी, दम तोड़ दिया इसने। सर मरने से पहले दो बातें कह रही थी, शापित ड्रेस और जूही को बचा लो। इसका तो एक ही मतलब हो सकता है अभिजीत, इस आत्महत्या के साथ साथ इसके पीछे कोई गहरा राज छुपा है, पता लगाना पड़ेगा। ये कौन है, होटल का मैनेजर कहाँ है? मैनेजर साहब 4 दिन से छुट्टी पर गए हुए हैं और आज हमारे होटल में एक बहुत बड़ी शादी है तो सारे लोग उसी में लगे हुए हैं। अच्छा, क्या आप में से कोई इस बेचारी को जानता है? सर मैंने कोई विज्ञापनों में देखा है इसे। अच्छा मॉडल थी मतलब ये, और कुछ जानते हो? सर सुबह में मैंने इसे देखा था, ठीक ठाक थी, एक रेस्टोरेंट में चाय नाश्ता करने बैठी थी। सर ये अकेली थी या इसके साथ कोई और भी था? नहीं सर, इसके साथ और कोई नहीं था। कौन से रेस्टोरेंट देखा था? अरे जॉनी एक वन मास्क का देना था। अभी लाया। बैठिए सर बैठिए, क्या लेंगे आप? नहीं नहीं नहीं, कुछ खाने पीने नहीं आए, कुछ पूछताछ करने आए। सर इस लड़की की फोटो देखो, इस लड़की ने अभी अभी आत्महत्या कर ली है, इसको पहचानते हो? साहब ये तो मेहर कुमार है, पर इन्होंने आत्महत्या क्यों कर ली? उसी का पता लगाना है। अच्छा ये बताओ, क्या तुम मेहर को जानते थे? नहीं साहब, कुछ खास तो नहीं जानता उनके बारे में। वो आज सुबह यहाँ आई थी ना नाश्ता करने? यस मैम। क्या तुम्हें वो परेशान वगैरह लगी या फिर कुछ? हाँ साहब, जब वो नाश्ता कर रही थी ना तो बहुत रो रही थी, मैं उनके पास गया, मैंने पूछा क्या हुआ तो मुझे कुछ बताया नहीं उन्होंने। अच्छा क्या जब वो यहाँ पर बैठी तो उसने किसी को फोन वोन किया या किसी का फोन आया था उसे? नहीं साहब। किसी जूही को जानते हो, मेयर के साथ यहाँ पे आती थी? नहीं साहब। नहीं नहीं नहीं, अरे जरा अपने दिमाग पर जोर डालो, याद करने की कोशिश करो, देखो कुछ याद आता है क्या। हाँ हाँ साहब, जब आज वो आई थी तो बहुत ज्यादा मेकअप किया हुआ था और उन्होंने कपड़े भी कुछ अतरंगी, कुछ फिल्मी टाइप कपड़े पहन रखे थे। किसी शूट में जा रही होगी वो। हाँ ठीक है जाओ। थैंक यू सर। अभिषेक पता तो लगा सकते हैं मेहर के बारे में किसी कास्टिंग एजेंसी या मॉडल कोऑर्डिनेटर से। सर एक जान पहचान वाला है तो सही। हेलो विक्रांत। हाँ अभिजीत बोल रहा हूँ यार। अच्छा एक मॉडल है मेहर कुमार, उनके बारे में कुछ बता सकते हो? नहीं नहीं फिल्म नहीं बना रहा हूँ, एक केस के सिलसिले में ही पूछ रहा हूँ।
समीर। अच्छा 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 ओके ओके थैंक यू वेरी मच सर। ये समीर नाम का एक फैशन डिजाइनर है, उसके यहाँ पे ये शो स्टॉपर है, आज ही वो फैशन शो होने वाला है। ऐसे क्या हुआ होगा जो उसने ऐसी आत्महत्या की? सर हो सकता है कि मेहर के फैशन शो वालों के साथ कोई अनबन हो गई हो, या फिर उन्होंने मेहर की जगह किसी और को ले लिया। फैशन शो वालों से मिलना पड़ेगा, उन्हीं से पता चलेगा क्या हुआ था। फैशन शो का वेन्यू कितनी दूर है अभी? सर तकरीबन 2 किलोमीटर दूर है, आगे सिग्नल से जाइए। दोस्तों अब वक्त है हमारी शो की आखिरी शो स्टॉपर का, जिसका नाम है जूही, जो मुंबई में आपको हिल स्टेशन की ठंडी ठंडी वादियों का एहसास करा देगा। तो स्वागत कीजिए हमारी तीसरी शो स्टॉपर जूही का। मैक, बॉक्स खोलो। पता नहीं क्यों नहीं खुल रहा सर, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ सर। क्या मतलब है कि बॉक्स नहीं खुल रहा? तुमने चेक किया था ना ढंग से? ये सब क्या हो रहा है? जूही कहाँ है? उसकी एंट्री थी ना? समीर एक्चुअली कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई है। इससे पहले कि मेरी नाक कटे जाके कुछ करो। डोंट वरी, आई विल चेक। डोंट वरी। एक्सक्यूज मी, ये जूही कौन है यहाँ पे? आप लोग? हम सीआईडी से। सीआईडी? हाँ जूही, जूही कहाँ है? सर वो अभी ये नकली बर्फ के बॉक्स में फंस गई थी। और नो यार, इसको खोलो। कैसे खुलता है ये? हम इसे ही खोलने का कोई। ओ माय गॉड, ये इतना ठंडा क्यों है? क्योंकि ये नकली बर्फ नहीं, असली बर्फ है। इसके तोड़ने का कोई सामान लाओ जल्दी। सर जूही तो जम गई है। चल। सर इसकी नब्ज नहीं चल रही, ये मर चुकी है। माय गॉड, मेरे फैशन शो में मौत, किसकी लापरवाही है? लापरवाही नहीं है ये, मर्डर है। मर्डर, खून हुआ है जूही का। क्या लगता है? शरीर पे तो कोई जख्म नहीं दिख रहा है, ना कोई गोली का निशान और ना ही किसी हथियार का। सर पे भी किसी किस्म का कोई जख्म नहीं है, कलाइयों पर भी कोई निशान नहीं है। मतलब हाथापाई नहीं हुई है? अभिजीत प्राइमर फेसा ही तो ये एस्फिक्सिएशन का ही मामला लगता है। एस्फिक्सिएशन मतलब इसकी मौत बर्फ में जमने की वजह से हुई है? फिलहाल तो यही लगता है, बाकी तो पोस्टमार्टम के बाद ही पता चलेगा। अच्छा कितना टाइम लगता होगा आदमी को बर्फ में जमने में? यार कम से कम 4-5 घंटे तो लगते हैं। 4-5 घंटे मतलब 4-5 घंटे से ये गायब होगी और किसी ने इस तरफ ध्यान भी नहीं दिया। हाँ सर, इसे तो नकली आइस बॉक्स में आना था, किसी ने नकली आइस बॉक्स की जगह असली बर्फ की सीली लगा दी और किसी को पता भी नहीं चला। वही तो सर, सच कह रहा हूँ मैं, वो नकली एक्रेलिक बॉक्स आज सुबह ही आया था, मैंने खुद देखा उसे। और ये नकली आइस बॉक्स असली बर्फ में बदल गया, किसी ने कोई जादू वादू कर दिया था क्या उस पे? इसके बारे में तो विनीता से ही पूछना पड़ेगा, उसकी जिम्मेवारी थी कि वो जूही को उस बॉक्स में डाले। विनीता कहाँ है, बुलाओ जरा उसे। जी मैं भी बुला के लाता हूँ। वैसे समीर ये शापित ड्रेस का क्या चक्कर है? कई साल पहले मधुमिता नाम की एक मॉडल ने वो खूबसूरत ड्रेस पहना, लेकिन अफसोस एक फैशन शूट के चलते उसकी मौत हो गई, तब से मीडिया वालों ने इसको शापित ड्रेस का नाम दे दिया। आपका शो मेहर करने वाली थी ना? यस सर। फिर अचानक शो से हटने की वजह? मेहर हमारी शो स्टॉपर थी, उसने भी सेम शापित ड्रेस पहनना था जो जूही ने पहना, लेकिन पता नहीं क्या अजीब हुआ और उसने खुद अपनी मर्जी से ये शो छोड़ दिया। क्या ऐसा क्या अजीब? आज सुबह। हेलो गर्ल्स। ओ हाय मेहर, आ गई तुम? तुम तो नहीं आने वाली थी राइट? हाँ, तुम तो यही चाहोगी ना कि मैं ना आऊं और सारी वाहवाही तुम अकेले ही लूट लो। हो प्लीज, सारी वाहवाही तो आज मुझे ही मिलने वाली है। गायत्री तुम भी बहुत सीधी हो,
इतना भी नहीं जानती कि दर्शक शो देखने तुम दोनों को देखने के लिए नहीं बल्कि मेहर को देखने आते हैं। मेहर इतना भी मत उड़ो कि किसी दिन मुंह के बल जमीन पर गिरना पड़े, और वैसे भी इतना घमंड अच्छा नहीं होता। बहुत जलन हो रही है जूही, वैसे तुम्हारी जलन की वजह समझ सकती हूँ मैं, वो मशहूर ड्रेस मुझे जो पहनने को मिल रही है। मशहूर मेहर, वो ड्रेस मशहूर नहीं, शापित शापित, और ये तुम्हारी बदकिस्मती है कि तुम्हें वो ड्रेस पहनने को मिल रही। अरे मेहर तुम अभी तक रेडी नहीं हुई। चल आंटी, शो शुरू होने में भी बहुत वक्त। अरे बिल्कुल वक्त नहीं है, तुम जाओ और चेंज कर लो, तुम्हें मेकअप कराने में भी आधा घंटा लगता है। ओके, मेरी ड्रेस कहाँ है? तुम्हारे चेंजिंग रूम में। अरे ड्रेस तो कहाँ है, कहीं जूही ने चुरा तो नहीं ली? अरे ये तो मेहर की आवाज है। क्या मजाक है, यहाँ तो कोई भी नहीं है। मैं सच कह रही हूँ आंटी, यहाँ एक औरत लटकी थी। यहाँ कोई औरत नहीं है मेहर, ये तुम्हारा ड्रेस है। पर सच में यहाँ एक औरत थी। अगर यहाँ कुछ देर पहले औरत थी तो इतनी जल्दी कहाँ गई? मेहर ये सब तुम्हारे दिमाग का एक वहम है और कुछ नहीं। लगता है सापी ड्रेस ने तुम्हें इस कदर डरा दिया है कि तुम्हें हर जगह पे यही सब दिखने लगा है। तुम जानती हो लीसा, मैं इन सब अंधविश्वासों में नहीं मानती, पर सच में यहाँ एक औरत थी। यहाँ कोई औरत नहीं है मेहर, ये अपना ड्रामा करना ना बंद कर दो। तुम बस यही चाहती हो ना कि सारा अटेंशन तुम्हें मिल जाए और हर कोई तुम्हारे आगे पीछे घूमे। प्लीज अपना ड्रामा बंद कर दो। क्या कहा तूने? क्या शोर लगा रखा है? समीर वो क्या, वो मैंने सब सुना है। प्लीज शो शुरू होने में कुछ ही वक्त है, प्लीज ये बच्चों की तरह लड़ना झगड़ना बंद करो। मगर अगर मगर कुछ नहीं, जो कहना है वो शो के बाद कहना, एंड प्लीज तुम सब भी अपना अपना काम करो। चलो 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 चलो। ये मेहर को कोई मानसिक बीमारी थी क्या? नहीं सर, ऐसा बिल्कुल नहीं था। मैं पिछले 5 सालों से उसके साथ काम कर रहा था, उसने पहले कभी ऐसा बर्ताव नहीं किया सर। अच्छा फिर क्या हुआ, मेहर की जगह जूही ने कैसे ली? आज सुबह जब हम उसके मेकअप रूम में गए तो। सॉरी समीर, मैं ये ड्रेस नहीं पहन सकती। ड्रेस नहीं पहन सकती, क्या कह रही हो? ये ड्रेस वाकई में शापित हुई तो? कैसी बातें कर रही हो तुम? थोड़ी देर पहले तो तुमने कहा था कि तुम इन सब बातों में विश्वास नहीं रखती, तो अब क्या हुआ तुम्हें? अब तक नहीं मानती थी, पर अब लगने लगा है जरूरी नहीं ये सारी बातें दकियानूसी हो, इनमें कुछ तो सच्चाई हो सकती है। मेहर मेहर मेहर, शो की सारी तैयारियां हो चुकी, अपना नाटक बंद करो और जाके तैयार हो जाओ। तुम्हारे शो के चक्कर में मैं अपनी जिंदगी खतरे में नहीं डालती। तुम भूल रही हो कि तुमने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, मैं तुम पे केस कर सकता हूँ। और कितनी अच्छी एक्टिंग करोगे समीर, तुम यही चाहते हो ना मैं तुम्हारे शो से हट जाऊँ, तो ऐसे ही बोल देते। ये शापित ड्रेस के जरिए मुझसे पीछा छुड़ाने का अच्छा रास्ता ढूंढा तुमने। ये क्या कह रही हो तुम, भला मैं क्यों तुम्हें अपने शो से बाहर करूंगा? सब समझती हूँ मैं, आजकल वैसे भी तुम मुझसे सीधे मुंह बात नहीं करते हो। खैर अगर तुम चाहते हो मैं ये शो करूँ तो मुझे कोई दूसरी ड्रेस दे दो। शो की सारी तैयारियां हो चुकी हैं, आखिरी वक्त पे हम ड्रेस नहीं बदल सकते। या तो ड्रेस बदलेगी या फिर मॉडल, अब तुम सोच लो तुम्हें मेहर चाहिए या फिर ये ड्रेस। तो ठीक है, ड्रेस नहीं बदलेगी, तुम सोच लो। ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? मेरा हर फैसला आखिरी ही होता है। तो ठीक है, मुबारक हो तुम्हें ये सड़ी पुरानी श्रापित ड्रेस, ढूंढ लो कोई शो स्टॉपर। बेशक ढूंढ लूंगा। तुम ये भूल रही हो कि तुम्हें बनाने वाला मैं ही हूं, मैं किसी को भी शो स्टॉपर बना सकता हूँ। जूही तुम्हारे पास 5 मिनट, इन 5 मिनटों में तुम मुझे वो ड्रेस पहन के तैयार दिखनी चाहिए। वाह समीर, जूही क्या चॉइस है तुम्हारी। जूही खुद उस श्रापित ड्रेस से डरती है, वो कभी ये ड्रेस नहीं पहनेगी। जूही जो तुम्हें 5 मिनट दिए गए थे उसमें से 10 सेकंड गुजर चुके, तुम वो ड्रेस पहनोगे? पहनूंगी सर। बेटा मुझे ना कहने वाली मॉडल ज्यादा देर ऊंचाई पर नहीं रहती, आज से तुम्हारा बुरा वक्त शुरू। बुरा वक्त मेरा शुरू होगा या तुम्हारा, ये जल्दी पता चल जाएगा। और इस तरह जूही ने मेहर की जगह ले ली। सर इसका मतलब मेहर को अंदाजा हो गया था कि जूही की जान खतरे में है, इसलिए उसने मरते वक्त ये कहा कि जूही को बचा लो। ये आप क्या कह रही हैं? मेहर की मौत हो गई, कब कैसे? मेहर ने आत्महत्या कर ली है, एक बिल्डिंग की छत से कूद के, और मरने से पहले उसने हमें बोला था कि
जूही को बचा लो, लेकिन देर हो गई। सर यह है विनीता, इन्हीं की जिम्मेदारी थी जूही को बॉक्स में डालने की। तो बताइए विनीता जी, नकली आइस बॉक्स असली बर्फ में कैसे बदल गया? पता नहीं सर, जब मैंने वो बॉक्स चेक किया था तो वो नकली था, एक्रिलिक का। जरा वो जगह दिखाइए जहाँ पे आखिरी बार आपने चेक किया था बॉक्स को। सर यहीं पे सामने। यहाँ पे? जी सर, ये बॉक्स यही रखा गया था। मेरी जिम्मेदारी ये थी कि मैं जूही को बॉक्स के अंदर बिठाऊं और फिर मार्क को सिग्नल दूं कि जूही की एंट्री के लिए रेडी हो जाए। तुमने जूही को बॉक्स के अंदर जाते हुए देखा था? नहीं सर, मैं देख नहीं पाई। नहीं देख पाई मतलब? यही तो काम था ना तुम्हारा। हाँ, जब मैं बॉक्स चेक कर रही थी तभी मुझे किसी ने बाहर बुलाया और मुझे जाना पड़ा। लेकिन फिर मैंने अदिति से कहा कि कुछ देर के लिए वो मेरी ड्यूटी संभाल ले, और फिर 20 मिनट बाद जब मैं वापस आई तो मैंने देखा कि जूही बॉक्स के अंदर जा चुकी थी। तब तुमने बॉक्स चेक किया था? हाँ मैंने किया था, मुझे थोड़ा ठंडा भी लगा, मानो जैसे कि असली बर्फ रखी हो। अच्छा, इस बारे में तुमने अदिति से पूछा था? मैंने पूछा उससे तो उसने कहा कि एक असली फील लाने के लिए इसे ठंडा किया गया है, और फिर तुरंत ही जूही की एंट्री हो गई और बर्फ भी स्टेज पर चला गया। अदिति कहाँ है? जब से ये हादसा हुआ है वो कहीं दिखाई नहीं दे रही। मयूर जरा चेक करो अदिति को। यस सर। क्या काम क्या करती है अदिति यहाँ पे? सर इंटर्न है यहाँ। इंटर्न। अच्छा जूही की स्टेज पे कितने बजे एंट्री थी? सर ठीक 11:30 बजे। एक आदमी को बर्फ में जमने के लिए कम से कम 4 से 5 घंटे लगते हैं। 4-5 घंटे से जूही गायब थी और किसी ने ध्यान नहीं दिया? नहीं सर, जूही इतने वक्त से गायब नहीं थी, शो से पहले तो उसने मेकअप कराया था। क्या? निखिल सर मेकअप मैन से पता करो। सर जूही का मेकअप 10:30 बजे हुआ, उनके एंट्री के 1 घंटे पहले 11 बजे तक मेकअप खत्म करने के बाद वो यहाँ से चली गई थी। सर पक्की बात है? तुमसे कोई गलती तो नहीं हो रही है? नहीं सर, मुझे अच्छे से याद है। अच्छा तुमने ठीक से देखा था, वो जूही थी? हाँ सर, मैं अच्छे से पहचानता हूँ उसे। सच बोल रहे हो? हाँ सर। ठीक है। सर सर मेकअप मैंने बताया कि जूही 11 बजे वहां से मेकअप करा के निकली। क्या 11 बजे? और 11:30 बजे वो 1/2 घंटे में कैसे बर्फ में जम गई वो? हाँ सर ये नामुमकिन है। किसी ने पहले जूही को गायब किया, फिर उसे बर्फ में जमाया, फिर उसकी लाश को बर्फ की सीलिंग में फिट किया। सर ये सब 1/2 घंटे में नहीं हो सकता। सर आमिर क्या पता चला? कुछ नहीं सर। इतना तो तय, इन सब के पीछे अदिति का हाथ है। इतना बड़ा एक्रेलिक बॉक्स यहाँ से गायब किया गया और बर्फ की सिल्ली यहाँ लाई गई, जो कुछ भी हुआ है यहीं इसी एरिया में हुआ है। सर ध्यान से चेक करो इस एरिया को। ये देखो यहाँ पे मिट्टी और पानी है, मतलब बर्फ यहाँ पे रखी गई थी। निशान इस तरफ से आ रहा है, सर लगता है बर्फ इस तरफ से घसीट कर लाई गई है। देखते हैं कहाँ पे ले जाती है हमें निशान। प्रॉप रूम, तो इस प्रॉपर्टी रूम से लाई गई है वो बर्फ। बर्फ यहाँ पे रखी हुई थी। कहीं अदिति यहीं तो नहीं छुपी हुई? हो सकता है। चेक करो कमरा। सर सही है, देखिए एक्रिलिक बॉक्स यहां पे। निखिल जरा बुला के लाओ समीर एंडी को। अच्छी प्लानिंग की इस अदिति ने, बर्फ की सिल्ली यहां से स्टेज पे ले गई और नकली बॉक्स यहां पे रख दिया। सर ये लो, ये है वो नकली बॉक्स? हाँ सर यही है वो बॉक्स। कितने दिन पहले रखा है आपने अदिति को काम पे? लगभग 1 हफ्ते से। और काम पे रखने से पहले उसका बैकग्राउंड वगैरह तो चेक नहीं किया होगा? मगर ये सारा किया धारा उस अकेले का नहीं है, कोई ना कोई और शामिल है इस सब में। कौन हो सकता है सर? कोई भी हो सकता है, आप भी हो सकते हैं या आप। लेकिन जो कोई भी है बहुत जल्द पकड़ा जाएगा। ये दरवाजा कहाँ पे खुलता है?
सर ये हमारा बैकडोर है। शायद बर्फ यहीं से लाई गई है। गार्ड है यहाँ पे? हाँ सर, गार्ड यहीं बैठता है। कितने बजे से ड्यूटी पे हो यहाँ पे? सुबह 8 बजे से। फिर तो तुमने देखा होगा ना बर्फ की सिल्ली कौन लेके गया अंदर? नहीं, अंदर तो कोई बर्फ की सिल्ली नहीं गई साहब। अरे यार ठीक से याद करो, कोई कार या टेम्पो में सामान लेके गया हो? देखता हूँ साहब। हाँ साहब, 9:30 बजे एक ट्रक आई थी, हॉल का एसी खराब हो गया था, उसको रिपेयर करने आए थे। जाओ उस रिपेयर वाले का नंबर दो एसी का। हाँ साहब, 100-210-320-3280। हेलो। हेलो, ग्लीम रिपेयर सर्विस। जी हाँ। आज सुबह आपने ट्रिवोली हॉल्स में किसी को एसी रिपेयर करने भेजा था? नहीं मैडम, एक कंप्लेन तो आया था लेकिन 5 मिनट बाद उन्होंने खुद कॉल करके कैंसिल करवा दिया। कहा एसी चलने लगा है तो भेजने की कोई जरूरत नहीं है। आप वो दूसरा नंबर हमें बता सकते हैं? नंबर नहीं दिख रहा था मैडम, वो प्राइवेट नंबर था। ओके, थैंक यू। अच्छी तैयारी कर रखी थी इन तीतरों ने। आरटीओ से पता लगा उस ट्रक के बारे में, उसका मालिक कौन है? लगता है नंबर प्लेट भी नकली होगी, लेकिन चेक करो, देखो कुछ पता चलता है क्या। सर तो फिर हम उन लोगों तक पहुंचेंगे कैसे? उस बर्फ की सिल्ली से। वो बर्फ की सिल्ली 6.5 फीट लंबी और काफी चौड़ी थी। ऐसी सिल्ली तो हर जगह मिलती नहीं है। पता लगाओ इस इलाके में कितनी बर्फ की फैक्ट्रियां हैं। सर इस इलाके की आखिरी बर्फ की फैक्ट्री है, देखते हैं क्या पता चलता है। सर आप लोग बर्फ खरीदने आए? नहीं नहीं, क्या हुआ तुम्हें, ये चोट कैसे लगी? सर वो कल रात को। आप कौन हो? सीआईडी। सीआईडी, अच्छा हुआ आप लोग आ गए। कल रात हमारी फैक्ट्री में ही चोरी हुई। चोरी? कैसी चोरी? आप सुनेंगी तो आपको यकीन नहीं होगा मैडम जी, अब तक तो चोर रुपया पैसा जेवर की चोरी करते थे और नहीं तो मोबाइल टीवी रेडियो चुराते थे, परंतु अब तो हद हो गई है, वो हमारी दुकान से बर्फ चुरा कर ले गए। बर्फ की चोरी? मैंने रोकने की बहुत कोशिश की सर, उन पापियों ने मेरा शरीर फोड़ दिया। मिला के कितने पापी थे, मतलब कितने लोग थे? सर 2 आदमी एक औरत। उनके चेहरे देखे थे तुमने? नहीं सर, उनका चेहरा ढका हुआ था। कितने बजे हुआ ये हादसा? यही कोई कल रात 11 बजे। कल रात 11 बजे? सर चूही का खून तो आज सुबह 11 बजे हुआ। अच्छा, जो बर्फ चुराई थी वो कितनी बड़ी थी? यही कोई 6.5 फीट। 6.5, इसका मतलब यहाँ से ले जाई गई होगी किसी ट्रक या टेम्पो में, और शायद कोल्ड स्टोरेज वाले टेम्पो में, जिसमें बर्फ की सीढ़ी लग के यहाँ से फैशन शो तक पहुँचाया जाए और बर्फ पिघले भी नहीं। निकल, पता करो किसी कोल्ड स्टोरेज का ट्रक चोरी होने की रिपोर्ट लिखवाई गई है क्या, ऐसा कोई ट्रक किराए पे लिया गया हो। सर आने के लिए उस आइस ट्रक के बारे में क्या पता चला? सर कोल्ड स्टोरेज की सभी कंपनी से मैंने पता किया लेकिन उस ट्रक के बारे में कुछ पता नहीं चला। एक काम करो निखिल, आइस फैक्ट्रीज के आसपास जितने भी लोग रहते हैं, दुकानें हैं, सब में जाके पूछताछ करो, देखो शायद किसी ने कुछ देखा हो। सर ये केस तो दलदल की तरह धंसता जा रहा है, पहले मेहर ने खुदकुशी की और जूही का नाम ले लिया, फिर जूही का भी खून हो गया और वो भी इतने अजीब तरीके से, बर्फ की सिल्ली के अंदर जमा दिया उसको। वही तो समझ में नहीं आ रहा है अभिजीत, बर्फ की सिल्ली में ही क्यों? अगर उसे मारना ही था तो उसके पास और भी तरीके थे उसे मारने के लिए, लेकिन बर्फ की सिल्ली में ही क्यों? खून ने बहुत जोखिम उठाया सर, ट्रक किराए पर ली, बर्फ की सिल्ली को किसी तरीके से फैशन शो में पहुंचाया और जूही की लाश को नकली बर्फ की सिल्ली की जगह असली बर्फ की सिल्ली में डाल के स्टेज में भेज दिया। और फिर कौन हो सकता है इतनी सोच समझ के करने वाला खूनी? फिर जूही को ही क्यों मारा उसने? अभिजीत कोई ना कोई वजह तो जरूर है, इसके पीछे कोई ना कोई तो राज है। सर सर मैंने जूही का बैकग्राउंड अच्छे से चेक किया, एक बहुत ही खास बात सामने आई है। क्या? समीर के फैशन शो में एक मॉडल होने के साथ साथ जूही समीर की गर्लफ्रेंड भी थी। सर समीर और जूही एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, इनफैक्ट समीर जूही को शादी के लिए प्रपोज भी करने वाला था। बड़ी अजीब बात है, और समीर ने इस बात की भनक तक नहीं आने दी हमको। सर कहीं सारी साजिश में समीर तो नहीं शामिल है? इस समीर का बैकग्राउंड चेक करो। सर समीर के बारे में ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग बात पता चली, नताशा नाम की लड़की की लाश मिली थी कोल्ड स्टोरेज फैक्ट्री में 5 साल पहले। नताशा नाम के लड़की की मौत की इंफॉर्मेशन समीर के बैकग्राउंड में क्यों? क्योंकि सर नताशा भी समीर की गर्लफ्रेंड थी,
नताशा भी समीर की गर्लफ्रेंड थी। सर नताशा भी समीर की गर्लफ्रेंड और जूही भी। सर कहीं समीर ने तो नहीं दोनों को मार दिया? पुलिस को यही शक था पर अदालत में कुछ साबित नहीं हो पाया। नताशा का देखो बैकग्राउंड जरा, देखो कुछ डिटेल है क्या। सर नताशा भी जूही की तरह एक सुपर मॉडल बनना चाहती थी, पर इससे पहले कि उसके सपने पूरे हो सके उसकी मौत हो गई। और कुछ इन्फॉर्मेशन है क्या? देखो नताशा की एक बहन है शीतल। शीतल अभिजीत, ये शीतल भी तो डिजाइनर थी समीर के उस फैशन शो में जहां पर जूही का कत्ल हुआ। यस सर। शीतल सर पिछले आधे घंटे से मुझे यहाँ अकेले क्यों बिठा के रखा है और बाकी लोग कहाँ हैं? शीतल हमें आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए जूही के खून के बारे में। सर मैं इन्हें बता चुकी हूँ कि मैं उस बारे में कुछ भी नहीं जानती। अच्छा आपने समीर की कंपनी कब ज्वाइन की? यही कुछ 2 महीने पहले। शीतल आप खुद एक डिजाइनर है, समीर के साथ एज एन असिस्टेंट काम करने का क्यों सोचा आपने? ये कैसा सवाल है, यहाँ मुझे बड़े बड़े डिजाइनर के साथ काम करने का मौका मिला है, मेरी सैलरी भी अच्छी है और मेरे काम की तारीफ भी होती है, और कोई भी लड़की समीर के साथ क्यों नहीं काम करेगी? लेकिन हर किसी डिजाइनर की बहन का नाम नताशा नहीं होता, वही नताशा जो समीर की गर्लफ्रेंड थी और जिसका खून हो गया। आप कहना क्या चाहते हैं? आपने समीर के साथ काम करने का इसलिए सोचा क्योंकि आपको उस पर शक था, आपको लगता था कि आपकी बहन नताशा को उसी ने मारा है। ये झूठ है। और फिर जब आपको पता चला कि समीर जूही से प्यार करता है, उसे शादी करना चाहता है, आपने जूही को ही मार दिया। मैं कभी समीर को अपनी बहन की मौत का जिम्मेदार नहीं मानती हूँ, उसे बहुत प्यार करता था, और दुनिया चाहे कुछ भी बोले मैं जानती हूँ समीर निर्दोष है। कल रात 10 बजे आप कहाँ थे? समीर के ऑफिस में, फैशन शो की तैयारी कर रही थी। और कौन कौन है आपके परिवार में? मैं, मेरी मम्मी और मेरा भाई अर्जुन। अर्जुन कहाँ है ये अर्जुन? पता नहीं सर, अब वो हमारे साथ नहीं रहता, उसका मम्मी के साथ झगड़ा हो गया था। और किस बात को लेके हुआ था ये झगड़ा? क्योंकि अर्जुन को लगता था कि नताशा के खून में समीर का हाथ है, पर मैं और मम्मी ऐसा नहीं मानते। सर जरूर ये सारी प्लानिंग उस अर्जुन की ही होगी। कैसे हो दोस्तों? क्या बात है सारुन के साथ, चेहरे की हंसी चाल ढाल बता रहे हैं कि कोई बड़ा तीर मारा है आपने आज। कैसा है मेरे मित्र? वरना इनको इतने अच्छे मूड में कभी कभी देखने मिलता है। बात यह दोस्त के एक बहुत अच्छी खबर हाथ लगी है। अच्छा क्या है वो खबर? वो ये कि जूही जो बर्फ में जम के मरी थी, पता लग गया है कि आधा घंटे में वो कैसे मरी थी। कैसे, क्या हुआ था? हुआ यूं कि जूही एक्सपीजिएशन से मरी ही नहीं। क्या मतलब सालू के साहब, जूही की मौत बर्फ में जमने से नहीं हुई है? नहीं। तो फिर कैसे हुई है? जहर से हुई है। क्या? जहर से? हाँ ये देखो, निडियोजोमाटा नाम का जहर है ये, जो शरीर में जाता है, सारी मसल्स को लकवा हो जाता है, हार्ट अटैक हो जाता है, 15 मिनट के अंदर मौत। मतलब जब जूही को उस बर्फ के सिले में लिटाया गया था उसकी मौत उससे पहले हो गई थी? बिल्कुल। डॉक्टर साहब ये जो जहर है निडियोजोमाटा, वो कितनी देर में असर करता है? ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट। मतलब स्टेज पे जाने से थोड़ी देर पहले उसे जहर दिया गया था। लेकिन सर अगर खूनी जूही को फ्रीज करके मारना चाहता था फिर वो उसे जहर क्यों देगा? कहीं 2 लोग तो शामिल नहीं इस खून में? आप जी, एक ने जूही को बर्फ में रखा पर दूसरे ने उसे जहर दे दिया। या तुम जरा अर्जुन का पता लगाओ, तब तक हम लोग इस वैन्यू को दोबारा छान मारते हैं। वो जहर नीति और जमाटा 15 मिनट में असर करता है डॉक्टर साहब, तो मरने से पहले वो तो मेकअप रूम में थी। मतलब जहर उसे मेकअप रूम में ही दिया गया होगा। तो देखते हैं फिर इस मेकअप रूम में कहां जहर है। लेकिन सर फोन करके स्प्रे दो, ऊपर ही पर रखा है। सर खाने पीने की चीज में तो किसी में भी जहर नहीं है। सर तो फिर मेकअप के सामान में? हाँ हो सकता है, बिल्कुल यू आर राइट। कहाँ है? सर आ गई, आसपास ही है सर। हेलो। हाँ मम्मी, मम्मी मैं जरा प्लेन में, मैं लैंड करके आपको फोन करता हूँ। ओके सॉरी सर, वो खाना वाना खाए कि नहीं पूछ रही थी तो।
नहीं, मेकअप के लिए किसी सामान में जहर नहीं। सर, शायद इसमें नहीं, डस्टबिन में नहीं है। जरा उस मेकअप मैन को बुला के ला। अर्जुन का मोबाइल आ गई है सर। कितनी दूर है? 30 मीटर दूर सर। 30 मीटर? हेलो, रेडी सर? अरे नहीं नहीं, आप घर पे आराम करो, हाँ मैं अकेले पकड़ लूंगा उसको। हाँ सॉरी सर, वो रेडी सर बिना। जूही का मेकअप तुमने किया था ना? जी सर। कितना टाइम लगा था उसके मेकअप में? ये कोई 1.5 घंटा सर। और इस दौरान इस कमरे में कोई जूही से मिलने आया था क्या? नहीं सर, कोई नहीं आया। अच्छा, क्या क्या लगाया था तुमने जूही के मेकअप में? सर लाइनर, काजल और ये सब चीजें सर जो आपके सामने पड़ी है, सारी चीजें इस्तेमाल होती हैं सर। मेकअप के सामान में जहर नहीं है, कुछ और भी लगाया था इसके अलावा? हाँ हाँ, ये सर बॉडी पेंट सर। ये बॉडी पेंट तो यहाँ क्यों नहीं है, तुम्हारे पास क्यों है? सर ये जूही का पर्सनल है, इसलिए शो पे रखना पड़ता है। ओके ठीक है, जा। डॉक्टर साहब, अब ये आखिरी बॉल बची है, देखिए विकेट मिलता है कि नहीं। इस आखिरी बॉल को भी टेस्ट कर ही लेते हैं। सर यहीं पर है सर। यहीं पर? यहीं आसपास है, यहीं पर डीप हो रहा है सर। तुम्हारी आखिरी बॉल ने कमाल कर दिया, ये देखो। सर विकेट तो मिल गया, जहर इस पेंट में। ये तो जूही का पर्सनल पेंट है, फिर इसमें जहर किसने मिलाया होगा? और उस खूनी तक हम पहुंचेंगे कैसे? उस खूनी तक उसका वही हथियार पहुंचाएगा जिसका इस्तेमाल उसने जूही की जान लेने के लिए किया है, ये पेंट। इतना आसान नहीं होता सीआईडी से बचना, समझे? बोल। जिस पल नताशा की अर्थी उठी उसी दिन मैंने ये तय कर लिया, चाहे कुछ भी हो लेकिन एक ना एक दिन मैं उसकी मौत का बदला जरूर लूंगा। मगर तुम तो समीर से बदला लेना चाहते थे ना, तो फिर जूही को क्यों मारा? क्योंकि जूही समीर की गर्लफ्रेंड थी। जैसे उसने मेरे से मेरे किसी अपने को छीना, मैंने भी उससे उसके किसी अपने को छीन लिया। इसलिए मैंने एक लंबा प्लान बनाया और सबसे पहले अपनी दोस्त आदिति को वहां काम करने भेजा इंटर्न के रूप में, और शो स्टॉपर मेहर को भूत दिखाकर उसे डरा दिया ताकि वो खुद ये शो करने से मना कर दे। मुझे पता था कि मेहर मना कर देगी और समीर अपनी गर्लफ्रेंड जूही को शो स्टॉपर बना देगा। और आइस फैक्ट्री से बर्फ चुरा कर तुम अपने प्लान के लिए तैयार थे। तुमने सोचा क्यों ना उसे भी ठीक उसी तरह से मारा जाए जैसे तुम्हारी बहन नताशा की मौत हुई थी। मैं मेंटेनेंस मैन बनकर वहां पहले से ही मौजूद था। जैसे ही जूही मेकअप रूम से बाहर निकली, मेरी दोस्त अदिति ने उसे अपनी बातों में फंसा लिया और उसे प्रॉम्प्ट रूम तक लेके आई जहां मैं पहले से ही मौजूद था। फिर मैंने उसे बेहोश कर दिया और उसे मेंटेनेंस किट बैग में डालकर कोल्ड स्टोरेज ट्रक में ले आया जहां बर्फ की असली सिल्ली उसका इंतजार कर रही थी। और फिर तुमने जूही की लाश को बर्फ की सिल्ली में लेटा दिया। मैं बर्फ की सिल्ली को पहले से ही खोखला कर दिया था ताकि उसमें जूही को आसानी से भर सकूं, और उसके बाद मैंने खाली जगह को ताजी ताजी बर्फ से भर डाला। और उसके बाद तुमने नकली आइस बॉक्स को वहां से गायब किया और उसकी जगह पे असली बर्फ की सिल्ली रख दी। मेहनत तो बहुत की थी तुमने अपनी बहन नताशा की मौत का बदला लेने के लिए, मगर तुम्हारी जानकारी के लिए मैं तुम्हें बता दूं कि जूही की मौत बर्फ में जमने से नहीं बल्कि जहर से हुई थी। जहर से? क्या? हाँ। लेकिन मैंने तुझे जहर नहीं दिया। तुमने नहीं, किसी और ने। बदकिस्मती से जूही का तुम्हारे अलावा कोई और भी दुश्मन था, एक साथ दो लोग उसे मारना चाहते थे। इसका मतलब मुझे तो फांसी नहीं होगी ना सर? भले ही जूही की मौत तुम्हारे तरीके से नहीं हुई हो, मगर इससे तुम्हारा जुर्म कुछ कम नहीं हो जाता। अदालत तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा देगी। रही बात उस दूसरे खूनी की, उसे हम बहुत जल्द दबोच लेंगे। आखिर बात क्या है सर?
आपने इस तरह हम सबको यहाँ इकट्ठा क्यों कर रखा? बस यूँ समझ लीजिए कि केस सॉल्व होने वाला है और खूनी सामने आने वाला है। सच? कौन है वो? इतनी भी जल्दी क्या जानने की, सबर रखो, सबर का फल मीठा होता है। आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? जूही हमारे परिवार का एक हिस्सा थी, आप प्लीज हमें बताइए कौन है जूही का खूनी? खूनी जो कोई भी है यही है। खूनी अगर यहीं पे है तो नाम भी बता दीजिए। नाम भी बता देंगे, उसके पहले हमें एक छोटा सा टेस्ट करना है। टेस्ट? ये जानते हैं ये क्या है? ये तो पेंट है। लेकिन ये कोई आम पेंट नहीं है समीर जी, जादुई पेंट है। जादुई पेंट? जी हाँ, फॉरेंसिक लैब में खास तौर पे बनाया गया ये पेंट। आज आप सबको दिखा देगा रंगे हाथों पकड़ना किसे कहते हैं। लेकिन वो कैसे? वो ऐसे आंटी जी कि ये जो पेंट है हम आपके चेहरों पे थोड़ा थोड़ा लगाएंगे और जिसका भी चेहरा लाल हो जाएगा खूनी भाई है। What nonsense! भला ये क्या तरीका हुआ खूनी को पकड़ने का? है एक तरीका। वैसे मैं आपको ये बता दूं कि सीआईडी के तरीके न कभी फेल हुए हैं और न कभी होंगे। चलो भाई खेल लो होली एडवांस में। मुझे नहीं लगाना ये पेंट वेंट, मेरी स्किन खराब हो जाएगी। मैडम पेंट तो आपको लगवाना पड़ेगा, तभी तो आपके आने वाले भविष्य का पता चलेगा। सर मैं जरा बाथरूम होकर आता हूँ। मिस्टर एंडी थोड़ा पेंट लगवा लीजिए, फिर बाथरूम में जाके मुंह भी धो लीजिएगा। सर वो मैं सर लग एक काम करो, इसको चारों तरफ से घेरो। बच गया है, शायद इतिहास में ये पहली बार होगा कि कोई सीआईडी के शिकंजे से बच के निकल गया। सीआईडी के शिकंजे से आज तक तो कोई नहीं बच पाया। कहाँ भाग रहा है इतना? पेंट लगवा के तो चेहरा लाल करवाया नहीं तुमने, चलो ऐसे ही कर देते हैं। मैंने मारा जूही को, मैंने उसके बॉडी पेंट में जहर मिलाया था। मगर क्यों? क्योंकि वो मेरा राज जान गई थी। कैसा राज? मैं तो बीसी की कंपनी में घोटाला करता था, मैं और इम्पोर्टेंट मेकअप के सामान को खींच करता था अगली और चीप सामान से, और उसके सामान को बाहर मार्केट में बेचता था, यहाँ तक कि उसके डिजाइन भी चुराता था। जिस थाली में खाते थे उसी में छेद है? सब कुछ ठीक जा रहा था, लेकिन एक दिन जूही के आगे मेरा भाड़ा फूट गया। मैंने उसे पैसे का भी लालच दिया लेकिन नहीं, उसने मेरी एक भी नहीं सुनी। वो समीर से प्यार करती थी, उसने बोला कि शो के बाद वो समीर को सब कुछ बता देगी। मैंने उसे मार डाला। मगर वो पेंट तो पहले मेहर पे इस्तेमाल होने वाला था। हाँ, मैंने पहले दूसरे पेंट में जहर मिलाया था, लेकिन जब मुझे पता चला कि शो स्टॉपर अभी जूही होने वाली है तो मैंने उसके नए पेंट में भी जहर मिला दिया, इससे जूही मर गई। मैंने सोचा कि सारा शक मेकअप मैन पे जाएगा, मुझ पे कोई शक भी नहीं करेगा। बेवकूफी थी तुम्हारी ऐसा सोचना, पैसों की लालच में इतना नीचे गिर गया कि चोरी की, खून तक का डाला। अब फांसी के इंतजार में जरा ठंडे दिमाग से सोचना, पैसों की चमक कहीं ज्यादा महंगी तो नहीं पड़ गई तुम्हें। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।